हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजू की बगिया में। फ्रेंड्स, ये देखिए साइप्रस वाइन है और इसमें काफ़ी फ्लावर आ रहे हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और इसमें काफ़ी बर्ड भी आ रही हैं। तो ये प्लांट हमारा काफ़ी ग्रोथ पे है और इसमें फ्लावरिंग हो रही है, इसमें बीज भी बन रहे हैं इस समय। और मैं आज आपसे शेयर करूँगी अपने इस साइप्रस वाइन प्लांट को कि मैंने इसको कौन सा फर्टिलाइज़र दिया है जिससे इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है और इसमें फ्लावर आ रहे हैं, काफ़ी इसमें बर्ड बन रही हैं और अभी इसकी फ्लावरिंग काफ़ी दिनों तक चलेगी। तो आज हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे कि आपका अगर कोई गार्डन में ऐसा कोई प्लांट है, साइप्रस वाइन है अगर, तो आप उसको कौन सा फर्टिलाइज़र दें जो इसकी अच्छी ग्रोथ हो सके और ये इसी तरह फ्लावरिंग कर सके। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको जब लगाया था तो लगाने की वीडियो मैंने आपसे शेयर की हुई है और ये मुझे कैसे मिला ये भी मैंने बताया था आपको। और ये प्लांट मेरा काफ़ी दिनों से फ्लावरिंग कर रहा है, हालांकि मैंने जब वीडियो बनाई थी तो इसकी फ्लावरिंग उसी समय स्टार्टिंग हुई थी। तो जब इसमें फ्लावर स्टार्ट हुए तो मैंने कुछ दिनों बाद इसको फर्टिलाइज़र दिया था। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ अपने प्लांट को, बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र, वही मैंने इसको कुछ दिनों में अंतराल पर दिया हुआ है और इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसकी वाइन देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रही है जो देखने में बहुत ही सुंदर है। फ्रेंड्स, ये इसके बीज हैं आप देख सकते हैं और इसमें जब इसके बीज ये बनकर, देखिए इसके बीज ये जब मैच्योर हो जाएंगे तो हम इसको कलेक्ट करके रख लेंगे आने वाले समय के लिए और इन्हीं से फिर हम और भी प्लांट बनाएंगे। आप इनके बीजों को देख सकते हैं, ये भी हरे हैं, सूखने पर हम इनको इकट्ठा करके रख लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, अपने वीडियो में हम आपको वो चीज़ बताएंगे कि इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे पा सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वो फर्टिलाइज़र जो हम अपने प्लांट को देते हैं। फ्रेंड्स, ये है वो फर्टिलाइज़र जिसके बारे में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। देखिए, ये है बनाना पील फर्टिलाइज़र और मैंने इस फालतू डब्बे में, एक वेस्ट डब्बा था मेरे पास, उसी में मैंने पानी भर दिया है और इसमें कुछ केले के छिलकों को डाला हुआ है और ये पानी भरा हुआ है इसलिए मैं टेढ़ा नहीं करके दिखा सकती हूँ। तो देखिए, इसमें नीचे कुछ केले के छिलके हैं और इनको रखे हुए मुझे 3-4 दिन हो गए हैं और इसके पानी का कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो गया है। इसमें कुछ करना नहीं है, बस आप इसी तरह से किसी भी, चाहे बाल्टी हो आपके पास या किसी भी तरह का कोई मग या डब्बा हो, आप उसमें पानी भर दीजिए और पानी भरने के बाद में कुछ जो फल आपके घर में आते हैं, वैसे तो ये बनाना के छिलके हैं, आप किसी भी फलों के छिलकों को इसमें डाल करके रख सकती हैं और जब 3-4 दिन हो जाए और उसका पानी इस तरह से कलर चेंज हो जाए तो आप इस पानी को, इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में दे सकती हैं, जैसे कि मैं दे रही हूँ। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आप पानी में डाइल्यूट करके भी दे सकती हैं और यदि चाहें तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, पर जब आप इसको ऐसे प्योर दें तो थोड़ा दें, थोड़ी मात्रा में दें, और जब इसको आप पानी में डाइल्यूट करके दें तो आप अच्छा खासा पानी अपने पौधे को दे सकती हैं। आप मेरे इस प्लांट की ग्रोथ दे सकते हैं और इसमें एक छोटा सा बेबी प्लांट भी है जो मैंने बीजों से इसको ग्रो किया था और मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था। तो देखिए, ये प्लांट हमारा इतना बड़ा हो गया है और जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसी में इसको, इसी के सहारे लगा दूंगी ताकि ये भी ऊपर की तरफ जा सके। तो फ्रेंड्स, आप अपने साइप्रस वाइन को या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट को फर्टिलाइज़र आप दें, बनाना पील फर्टिलाइज़र, तो आपके पौधे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे और उसमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो फर्टिलाइज़र के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।